कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, पाद अमृत पिलाने का क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने का क्या फायदा। कितने अच्छे शब्द इस भजन में लिखे हैं। मैं तो मंदिर गया पूजा अर्चना की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर में जाने का क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर में जाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत बहाने का क्या फायदा। संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, मैं तो सत्संग गया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल। तन मानव कपाके दया की ही नहीं, तन मानव कपाके दया की ही नहीं, फिर मानव कहलाने का क्या फायदा। तन मानव कपा दया की ही नहीं, फिर मानव कहलाने का क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत बहाने का क्या फायदा। तप किया दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया जप तप भी किया, दान करते हुए ये ख्याल। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, फिर दानी कहला।
कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का देने से क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, फिर अमृत बहाने का क्या फायदा। गंगा नहाने में गंगा और काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, गंगा नहाने में गंगा और काशी गया, गंगा नहाते हुए ये तन को धोया और मन को धोया नहीं, तन को धोया पर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने का क्या, फिर गंगा नहाने का क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने का क्या फायदा, कभी गिरते हुए उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने का क्या फायदा, फिर आंसू बहाने का क्या कृष्ण भगवान की।